शेष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता मांगते हैं शेष तुझसे की किताब उसका 22वां अध्याय आज मदर्स डे है और आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी माओं को
सभी माताओं को, चाहे वो इस देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं पर भी हैं, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, उन्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आज का जो ये दिन है, जो संसार है, जो संसार की रंगीनियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माताओं की वजह से है। तो मैं सचमुच तहे दिल से आपको मुबारकबाद, आपका शुक्रिया अदा और आपको खुदा की बरकतों में रखना चाहता हूँ। आज इस खास दिन पर मुझे एक माँ का किस्सा याद आता है बाइबल में, वो उत्पत्ति की किताब में है और 22वां अध्याय है, इब्राहिम और सारा का जिक्र है। सारा एक ऐसी माँ है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें और दुखों का सामना किया है और बेटे की दाद ना होने की वजह से बहुत बहुत परेशान हुई और परेशान रहने लगी, लेकिन खुदा का एक वादा उस माँ से था कि मैं तेरे वंश को, तेरी औलाद को रेत के किनकों की तरह बढ़ा दूँगा। तो कहानी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि सारा ने खुदा पर भरोसा रखा और उसके किए हुए वादे को पूरा होने की इंतज़ार में रही। आखिरकार खुदा का वादा पूरा हुआ और उस माँ को एक बेटा इसहाक के रूप में, बख्शिश के रूप में दिया गया। दोनों ही बहुत खुश हुए, आनंद किया, खुदा की महिमा की, तारीफ की कि खुदा ने उन्हें खूबसूरत बेटे से नवाजा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, खुदा ने उसी बेटे को मांग लिया और इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, मुझे तेरे उस बेटे की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत अजीब लगी, खुदा के हुक्म के मुताबिक सारा को उस माँ को बताए बिना ही वो उस बेटे को ले करके और उस पहाड़ पर चला गया जहाँ उसे बलि करना था। सारी कहानी आपके सामने है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक माँ ही है जो ऐसा कर सकती या ऐसा सोच सकती। माँ को पता भी नहीं है कि उसका पति उस बेटे को, जिसे मुद्दतों की इंतज़ार के बाद उसे पाया था कि वो बलि करने के लिए ले जाए, उसे तो तब मालूम पड़ा जब वो खुदा की बख्शिशें, खुदा की रहमतें लेकर के आया। और यहाँ पर सिर्फ एक दो आयतें मैं आपके सामने पढ़ूँगा। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय है, 22 की 17वीं आयत। इस कारण यकीनन खुदा का ये वादा है इब्राहिम से और सारा के साथ, इस कारण मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा, तुझे बख्शीश दूंगा और निश्चय यकीनन तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाल के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा, देश गिनती कर दूंगा जिसकी गिनती हो ना सकेगी, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी हो जाएगा। उस माँ को और उस बाप को खुदा की बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत मिली। और आगे लिखा 18वीं आयत कि पृथ्वी की सारी जातियाँ, सारी कौमें जो हैं, वो तेरे वंश के कारण सारा
तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। ये खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है। तो मेरी सभी माताओं से आज की इस सुबह यही गुजारिश है कि वो अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और खुदा की बात माने और अपने बच्चों को भी खुदा के पहरे में रखें, खुदा के हाथों में रखें और खुदा की बरकतों को हासिल करें। आज के जो हालात हैं वो हमें बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता राह हक और ज़िंदगी तो मैं हूँ। यीशु ने फरमाया कि राह हक और ज़िंदगी मैं। ये सभी माओं से आज मेरी गुजारिश है, इन शब्दों को याद रखें, अपने बच्चों को टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, जहाँ कहीं भी वो हैं उन्हें ये मैसेज दीजिए कि आज के हालातों में राह हक और ज़िंदगी द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ जो है वो खुदावन का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह ही है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको अपनी पहचान में रखे और आप अपने आप को उसके हाथों में रखें। इस छोटे से कलाम को, इस वचन को मैं यहीं पूरा करता हूँ, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से। आमीन। हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा रहम है कि तूने आज का ये खूबसूरत दिन हमें बख्शा है कि हम तेरे पाक और पवित्र कदमों में आ सके। आज तूने ये जो दिन हमें दिया है, हम इस दिन को माताओं के लिए समर्पित करते हैं, ख़ास तौर पे इन सभी माओं को, माताओं को, मदर्स को तेरे पाक और पवित्र हाथों में दे देते हैं खुदा, क्योंकि ये सारा जग जो है वो इन्हीं की वजह से है खुदा। उनका इन्हें अपनी पहचान में रखना, अपनी मोहब्बत में रखना, उस खुदा के इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से जो हमें यूँ प्रार्थना करनी सिखाता है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे कि जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि भलाई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदा का इत्मीनान जब मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, ख्यालों को, विचारों को और आपकी इस ज़िंदगी और समय को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और आमीन।